सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है वो है फोटोशॉप के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम 15 अगस्त से जो है अपने देश की छवि बदलेंगे, मेरा मतलब है हम तस्वीरों में डिजाइन डालेंगे। डिजाइनिंग के बारे में बताऊंगा, ग्राफिक्स डिजाइन के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात याद आती है कि एक ग्राफिक्स डिजाइनर जो होता है उसके लिए दो सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। पहला सॉफ्टवेयर जो होता है फोटोशॉप और दूसरा सॉफ्टवेयर जो होता है कोरल ड्रॉ। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले मैं फोटोशॉप की जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, इस फोटोशॉप को सीखने में कम से कम आपको 3 मंथ्स या 3 मंथ्स 3 महीने का टाइम आपको जरूर लगेगा। यदि आप इसके हर एक ऑप्शन के बारे में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे इस फोटोशॉप को सीख सकते हैं, चला सकते हैं। क्या होता है कि दोस्तों, कई लोगों का कहना होता है कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनको हम नहीं सीख पाते हैं। दोस्तों, हर एक टूल का उपयोग मैं आपको एक बारीकी से करना बताऊंगा, अच्छे से करना बताऊंगा, क्या इसका यूज होता है, क्या इसका उपयोग होता है। मैं यहाँ पर फोटोशॉप सीसी को बेस लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में आएगा छोटा सा नाना सा से बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूलिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि फोटोशॉप की बात करें तो दोस्तों, यदि आपको आपका इंटरेस्ट है इसमें सीखने में तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक से हमें सपोर्ट करेगी नेक्स्ट सीरीज बनाने के लिए, कोरल ड्रॉ के बारे में या फोटोशॉप की नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो अच्छे से समझाने के लिए। आपकी जो लाइक्स है वो और आपके जो कमेंट्स है वो ही हमें मदद करेगी। तो मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा, अच्छे से पार्ट वाइज में आपको सिखा पाऊंगा कि आप अच्छे से इसे कैसे सीख सकते हैं, हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताने के लिए, एक बेसिक सीरीज है ये, जिसके बारे में फोटोशॉप के जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है, इसके ऑप्शंस क्या है, जो एक छोटा सा इंट्रो है जो कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है क्या नहीं है। दोस्तों, देख लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जो फोटोशॉप का जो इंट्रो होता है वो इस तरह का आता है, जो इसका आइकन आता है वो इस तरह का होता है। जैसा कि अभी यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस तरह का इसका आइकन होता है जब आप ओपन करेंगे, या फिर जो आइकन आता है वो इस तरह का आता है। जैसे ही आप इसे ओपन कर लेंगे वो देखिए आप इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। देखिए, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। मैं एक एक बार के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं ऊपर वाले बार के बारे में। ये आप यहाँ से देखेंगे, ये देखिए, ये ऊपर वाला बार है जो मेन्यू बार है, जिसमें आपको सभी फिल्टर्स वगैरह, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स, टाइप्स, फिल्टर्स, 3D व्यू, विंडो, हेल्प, ये सभी देखने हैं। इनके मेन्यूज है, इनके हर एक ऑप्शन के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा इनके क्या यूजेज हैं, क्या अनयूजेज है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। उसके बाद में सेकेंड जो आ जाता है, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी बार भी बोल सकते हैं, इसे ऑप्शन बार भी बोल सकते हैं। इसे दो बातें बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बार क्योंकि ये जो टूल बार के जो सभी ऑप्शंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को शो करता है, प्रॉपर्टीज को दिखाता है। जैसे जैसे आप इन पर ऑप्शन पर क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएगी। तो इनके बारे में हम सीखेंगे एक एक टूल के बारे में। नेक्स्ट जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये है टूलर बार। आप अच्छे से देख लीजिए, यह है टूलर बार। इसमें इन सभी टूल्स का यूज करना बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आप आसानी से इसे सीखना चाहते हैं तो इस पूरे सीरीज को पार्ट वाइज देखिए, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो टूलर बार है, इसके जो टूल्स हैं उनके बारे में एक एक की नॉलेज दूंगा आपको इस तरह से। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज बार ऐसे ऑप्शन बार बोल सकते हैं, इसकी क्लिक हो जाएगी तो सॉरी इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इधर वाला बार, ये देखिए, ये डिजाइन बार आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इस डिजाइन बार में जो इम्पोर्टेंट्स होती है वो लेयर्स होती है, ये देखिए चैनल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं और ये कलर्स। ये कलर और स्टाइल और ये लेयर से तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप इसे विंडोज में जाकर के यहाँ से और ऑप्शन भी ले सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ।
मैं फोटोशॉप की नेक्स्ट सीरीज के साथ इसमें एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, नेक्स्ट में इसमें फाइल डालने के लिए बताऊंगा कैसे इसमें फाइल डाल सकते हैं। फाइल डालने में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, यदि आप नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे कन्फ्यूजन फाइल्स को लेकर दूर हो जाएंगे। एडिट कैसे करना है इसमें फोटोज को, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको आने वाले सीरीज में हाई से हाई डेफिनेशन फोटो डिजाइन करना आपको बताऊंगा और आप एक अच्छे ग्राफिक्स का ग्राफी ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे, जिससे कि आप काफी सारे जॉब कर सकते हैं बिना किसी कंपनी के, बिना किसी के सहारे के, ओनली सेल्फ डिपेंड होकर के आप अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वंदे मातरम दोस्तों। आपके लिए एक छोटी सी शायरी जो मैं इस इंडिपेंडेंस डे पर बोलना चाहूंगा, तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों ये शायरी है कि आन बान और शान रखो, आन बान और शान रखो, गीता का भी ज्ञान रखो, बाइबिल और वेद पुराण रखो, पर दिल में हिंदुस्तान रखो। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दोस्तों।